गीतकार, गायक और संगीत निर्देशक प्रफुल्ल कर का रविवार रात 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रफुल्ल कर को साल 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें साल 2004 में जयदेव पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। 16 फरवरी 1939 को पुरी में जन्मे कर एक प्रख्यात संगीतकार, गायक, गीतकार, लेखक और स्तंभकार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि उन्हें उड़िया संस्कृति और संगीत में उनके अग्रणी योगदान के लिए याद किया जाएगा। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि श्री प्रफुल्ल कर जी के निधन से हम सभी दुखी हैं। उन्हें उड़िया संस्कृति और संगीत में उनके अग्रणी योगदान के लिए याद किया जाएगा। उन्हें एक बहुमुखी व्यक्तित्व का आशीर्वाद मिला था और उनकी रचनात्मकता उनके कार्यों में परिलक्षित होती थी। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना, ओम शांति। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त किया और कहा कि इस घटना ने उड़िया संगीत में एक युग के अंत को चिन्हित किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि दिवंगत कर का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। पटनायक ने निर्देश दिया है कि राज्य सरकार के दो मंत्री अंतिम संस्कार में मौजूद रहे और उन्हें श्रद्धांजलि दे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असमादित्य।